लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि सांप कोई भी हो नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है, तो इसलिए हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी कि हम भी किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाएं। और इंदौर में कहीं भी स्नेक रेस्क्यू या वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू के लिए आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने ये रेस्क्यू वीडियो लेकर आए हैं। और ये रेस्क्यू वीडियो इंडस्ट्री हाउस पलासिया स्थित एक फर्नीचर के शोरूम का है, जहाँ पर ऐसा बताया गया कि शायद फर्नीचर के साथ में ये सांप ट्रेवल करके यहाँ तक आया है शोरूम तक, जिसे हम रेस्क्यू करने आए हैं। और आप देखेंगे बहुत ही तंग जगह है, ये छोटी सी टेबल है, करीब 1.5 फीट की टेबल है, जिसके नीचे घुसकर हमने इस सांप को रेस्क्यू किया है। इतने सारे सामान में सबसे पहले तो उसे ढूंढना ही एक सबसे बड़ा टास्क है, तो बहुत ही सावधानी के साथ हमने उसे ढूंढना शुरू किया। और ढूंढने के बाद कुछ देर बाद वो हमें टेबल के नीचे मिला, टेबल के नीचे घुस के हमें उसे रेस्क्यू करना पड़ा। देखेंगे आप वीडियो में आगे, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बने रहिए वीडियो में। नजर रखना आप ना। फोन आ रहा है शायद किसी का है। तो देखिए आप, एक एक जगह सावधानी से देखने के बाद, चेक करने के बाद हमें नीचे वो सांप दिखाई दिया। और ये सांप रेड स्नेक है, जिसे धामन भी कहते हैं। देख पा रहे हैं आप, बहुत ही बड़ा सांप है, बिग साइज स्नेक। बहुत कम जगह होने के कारण ऐसी जगह पर रेस्क्यू करना बहुत ही रिस्की होता है, बाइट होने का चांस होता है, तो पूरी सावधानी हमें रखना पड़ती है। देख पा रहे हैं पर्याप्त बैठने लायक भी जगह नहीं है नीचे। देखिए आप, बहुत ही डेंजरस स्थिति हो जाती है कभी कभी, लेकिन काम हमें पूरी सावधानी के साथ और जवाबदारी के साथ करना होता है। हमारी सबसे पहली कोशिश यही होती है कि किसी भी जीव को नुकसान ना हो। तो देखिए आप, पूरी सावधानी के साथ हम काम कर रहे हैं और अब उसे हम बाहर लेकर आ रहे हैं। देखिए आप, सर बेहतरीन वीडियो बना रहे हैं। कहाँ? ये इधर इधर ये पास में आ जाओ ना सर। अब तो कहीं तुम क्या भाग रहे हो यार? देखिए आप, उसे रेस्क्यू करके मैं बाहर लेकर आया हूँ। कितना बड़ा सांप है आप देखिए, बहुत ही बड़ा सांप।
बिग साइज रेड स्नैक, देखिए आप किस तरह से अपने आप को लपेटता है ये। और इस सांप में इतनी ताकत होती है कि आपका खून भी रोक सकता है। तो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है, काम बहुत रिस्की है। डब्बा तो नहीं है, मुंह नहीं पकड़ते ना, बोलो डब्बा वाला कुछ है, डब्बा गलत काम नहीं करते, किसी जीव को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं। सही बात है, डब्बा तो नहीं है यार, डब्बा का कैसा डब्बा चाहिए आपको, क्यों ढक्कन वाला दे दो यार, ढक्कन वाला डब्बा बेटा, वो सर पर करके दे जल्दी, देखो वो छोटा डब्बा नहीं, वो बाल्टी ले लो, बाल्टी तो वो प्रगे वहाँ से कहाँ फंस गया। सही है दादा, आदम भाई पीछे हटो, बड़ा साफ है आदम भाई पीछे, कितना लंबा ये, करीब 6.5 फीट का, 6.5 फीट का, बस की पकड़ थी, पकड़ बहुत मजबूत है। यहां आप देख पा रहे हैं कि सांप ने पूंछ से मेरे हाथ को लपेट रखा है, बहुत ताकत से लपेट रखा है, जिसके कारण हाथ की नसें आप साफ देख सकते हैं, खून का चलना इसने रोक दिया है। तो बहुत ध्यान से हमें यह काम करना पड़ता है, बहुत ख़तरनाक काम है, इसीलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि किसी भी सांप से छेड़छाड़ ना करें, ना उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए आप किस तरह से ये इस टेबल में लपेट गया है, देखिए आप किस तरह से इसने मेरे हाथ को जकड़ रखा है, बहुत ही ताकतवर जकड़। निवेदन करते हैं कि किसी भी सांप को नुकसान ना पहुँचाएँ, ना उनसे छेड़छाड़ करें, आगे होके सांप कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी किसी सांप को नुकसान ना पहुंचाएं। ये कहाँ ले जाओगे? रिलीज कर देंगे। नहीं, इसको कहाँ ले जाओगे सांप को? छोड़ देंगे ना जंगल में। चलो हमने वो लेके आया भाई साहब, पकड़ के रखिए, मेरे को पकड़ने की जरूरत नहीं, उसने ही मेरे को पकड़ लिया, देख लो आप, पकड़ लिया ना पूरा। फिर लो ये लो काका, ये बना लो, वीडियो चालू है इसकी, चालू है, पकड़ लो, ऐसे ही मेरा ही है, हाँ छुड़ाना पड़ेगा, बंदा पता पकड़ लिया हमने। उन्होंने मेरा हाथ का चलो उत्तर भी ले चलोगे? हाँ हाँ ले जाओ, पानी का मुंह नहीं पकड़ते, मुंह पकड़ लो तो आसानी रहेगी, ये मुंह नहीं पकड़ते, प्रोफेशनल है, मुंह पकड़ने का काम नहीं आता, थोड़ा समय लग जाए, देर हो जाए सब चल जाएगा आपको, पर मुंह नहीं पकड़ते, हम किसी से जीव का नुकसान नहीं करेंगे। ये तो पाँच फुट का सांप है, ज़्यादा कलर नहीं, हाँ बाहर इधर से, इधर से पाँच फुट का सांप, पाँच फुट का, पाँच फुट का नहीं बाहर, देखिए आप बड़ा सांप, बहुत ही ताकतवर और मोटा सांप है, करीब करीब मेरी हाइट के बराबर है, 5.5 से 6 फीट का सांप है। तो सांप कोई भी हो, आगे होके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनसे छेड़छाड़ करें, इनसे उचित दूरी बनाकर रखें तो कभी भी हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। और वीडियो देखकर आप कुछ भी कॉपी करने की कोशिश ना करें, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो मतलब भीड़ लग जाएगी यहाँ पे, ये वाला फोन किसका है, ये वाला फोन किसका है, थोड़ा बचा, ऐसा नहीं है, बदनामी वाली बात नहीं है, तो क्या जीव हो तो कहीं भी आ जाते हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का घरों में भी आ जाते, तो ये बदनामी वाली बात नहीं है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं, जीव कहीं भी चले जाते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं देखते हैं, ये वाला फोन किसका, बदनामी वाली बात, ये फोन तुम्हारी है क्या, हाँ
तो एक अच्छी बात है कि अपने आप ही निकला और अपने उसको नुकसान नहीं पहुंचाते उसको। ये लो ये लो ये लो ये लो भाई। फिर ये बहुत खुशी की बात है। ढक्कन है ना ढक्का, इसका ढक्कन नहीं है, वो पन्नी बांधना पड़ेगी। पन्नी बांध देंगे ना, जा पन्नी लेके, पन्नी लेके चालू कर लो, चालू ही है फोन। अरे मैं चला कि नहीं ले जा रहा, ये आ रहा हूं यार, दूर आ गया ना। अरे नहीं फंसेगा, जान दो, आराम से जाएगा वो, तो चला तो जाएगा आराम से, अभी आएगा निकल भी जाएगा। देखिए आप, बहुत ही बड़ा सांप है, लेकिन जैसा कि हम कहते हैं कि सांप कोई भी हो नुकसान कभी नहीं पहुंचाता है, तो इसलिए हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी कि हम भी किसी जीव को नुकसान ना पहुँचाएँ। और इंदौर में कहीं भी स्नेक रेस्क्यू या वाइल्ड लाइफ एनिमल रेस्क्यू के लिए आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। कौन सा ये? दामन बड़ा पछा वाला बता। वीडियो डालूंगा ना, देखो ज़्यादा ले लो।